और
सा खौफनाक सा यहाँ मंदिर मुझे तो लग रहा है। बस इस टाइम हम आपको दिखा रहे हैं जैन मंदिर और इतनी तेज धूप है और यकीन करें मुझे ग्लासेस लगाने पड़ रहे हैं और सूरज को हम बिल्कुल फेस नहीं कर सकते। और मेरे पीछे आपको डोम नज़र आ रहा होगा, इसका जैन मंदिर का बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये उस ज़माने का 300 साल पुराना बना हुआ है लेकिन अभी भी ये पायदार और बड़े खूबसूरती से अभी अपनी जगह पर कायम और दायम है। जैन कम्युनिटी का ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर बहुत एक एक चीज़ देखने के काबिल है। तो अभी धूप में हम आपको मज़ीद भी इसका जो दूसरा पोर्शन है दूसरे फ्लोर पे हम आ चुके हैं और इसकी आपको विंडोज़, इसकी दीवारें, इसकी जो इसके कंधा की हुई हैं दीवारों पे जो कंधा चीज़ें की गई हैं या लकड़ी पर जो काम किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी बहुत पुराना है, बहुत पुरानी इमारत है जैसे कि हम हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ आज हम आए हैं जैन मंदिर में, मुल्तान का जैन मंदिर जो 300 साल पुराना है। तो आए हमारे साथ। मंदिर में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 साल पुराना जैन कम्युनिटी का ये मंदिर, क्या मैं पाकिस्तान से पहले यहाँ पे जैन कम्युनिटी की इबादत होती थी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब हमारा पाकिस्तान बन गया वहाँ यहाँ के लोग जो हिंदू थे वो उधर हिंदुस्तान में चले गए और वहाँ के जो मुसलमान थे कुछ मुसलमान हिजरत करके उनको यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी थीं जो बहुत जगह जगह पर नस्ब की गई थी इस मंदिर में और बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती मूर्तियां थी जो जगह जगह पे नस्ब की गई थी। अभी तो हमें फ़िलहाल दीवारों पे कुछ मूर्तियां बनी हुई कंधा की हुई नज़र आ रही है लेकिन पत्थरों से और बड़े कीमती पत्थरों से बड़ी खूबसूरत मूर्तियां यहां पे बनी हुई थी और मुख्तलिफ़ दीवारों में मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पर वो नस्ब की गई थी। लेकिन क्या पाकिस्तान के बाद जब जैन कम्यूनिटी यहाँ से चले गए हिंदुस्तान में चले गए तो वो जो मूर्तियाँ थी वो यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उन मूर्तियों को भी हिंदुस्तान में लेके जाना चाहते थे। तो हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि वो मूर्तियाँ क्या हमें पाकिस्तान के बाद जैन जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ से कैसे लेके गए ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वो मतलब जो मूर्तियाँ थी वो उन्होंने जहाज़ में वो लोड की और लेके जाने की कोशिश की लेकिन उन मूर्तियों का जो वज़न था ना वो बहुत ज़्यादा था। उस वज़न की वजह से कुछ मतलब उनको मुश्किलात भी पेश आई लेकिन वो यहाँ से तकरीबन छुप छुपा के वो मूर्तियाँ यहाँ से ले के जाने में कामयाब हो गए और यहाँ की जो हमारे मुल्तान के जैन मंदिर की जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो अभी भी हिंदुस्तान के बहुत से मंदिरों में बहुत सी जगहों पे अभी भी वो नस्ब की गई हैं, वो वहाँ पे देखी जा सकती हैं। हिस्ट्री भी बता रहे हैं। तो जैन मंदिर जो है ये बहुत ही कदीम है और यहाँ मैं दरवाज़ा देख रही थी और मुझे हंसी इस वजह से आ रही थी कि जो मेरा टीम के बच्चे हैं ना वो मुझे हर जगह पे हंसा देते हैं और मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना हम इनको सिर्फ हिस्ट्री में जाके और वैसे बन के हम इनको मतलब वो शूट नहीं कर रहे होते, हम साथ में थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और खूब हंस खेल के और मज़े से अपनी हर वीडियो जो है वो बनाते हैं। और बहुत शुक्रिया मेरे बेटे फाहद का, मेरे बेटे महद का और मेरे हस्बैंड शेर मुमताज़ रहमान का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया है मेरे बेटे हमाद रहमान जो मुझे रात में भी याद करवा देते हैं कि मम्मा सुबह आपने कहाँ जाना है जल्दी से मुझे बता दें। तो चले जी अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये देखें ये लकड़ी का जो दरवाज़ा है ये बहुत उसी ज़माने का 300 साल पुराना कदीम है, आजकल की अगर लकड़ी होती तो वो दरवाज़ा हमें नज़र ही नहीं आना था। लेकिन ये देखें ये इतना मतलब मजबूत और इतना हैवी है कि ये खींचने से जोर लगाना पड़ता है और पता चलता है
कि ये कोई हैवी लकड़ी और हैवी काम हुआ है, और इसके जो मतलब ये लोहे का जो काम किया गया ये भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। यह एक मज़े की मुझे चीज़ बड़ी खूबसूरत सी जो अट्रैक्ट कर रही है, अक्सर ही मुझे ये जो डिज़ाइनिंग है ना ये बड़ी अट्रैक्ट करती है। यानी कि यहाँ पे शायद उनके वो दिए शिए कोई इबादत वो जो करते थे हिंदू जैन कम्यूनिटी के, तो यहाँ पर दिए वगैरह जलाने के लिए ये जगह जगह पर ये छोटे छोटे मेहराब टाइप जो बने हुए हैं ये हमें जगह जगह पर दीवारों में नज़र आ रहे हैं। और ये विंडो के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है फूल कंदा किए गए हैं, और ये अभी तो यहाँ शीशे कुछ खिड़कियों में मुझे शीशे लगे हुए नज़र भी आ रहे हैं उसी दौर के, लेकिन बहुत ज़्यादा खिड़कियों में जो शीशे वो टूट चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने गत्ते लगाए हुए हैं। और यहाँ कुछ दीवारों में हमें मूर्तियाँ भी नज़र आ रही हैं बनी हुई छोटी छोटी, और नीचे मैं आपको दिखाऊंगी बड़ी कलरफुल सी और बड़ी खूबसूरत सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो रंग बिरंगी डिज़ाइनिंग में उन्होंने मूर्तियाँ अपनी बनाई हुई हैं। जो बड़ी बड़ी उनकी मूर्तियाँ थी, बड़े बड़े वो उनके जो बुद्ध थे वो तो वो यहाँ से ले गए अपने मुल्क में, लेकिन जो दीवारों पे मतलब नक्श की गई थी, बनाई गई थी और चस्पा की गई थी, कंधा की गई थी, वो अभी तक यहाँ पे वहीं की वहीं खड़ी हुई है। क्योंकि वो दीवारें तो अब बेचारे लेके जा नहीं सकते थे, जितना कुछ उनसे लेके आया था वो ले गए, लेकिन अभी तक इसके आसार है। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद ये जो हमारा कीमती विरसे हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारी तारीखी इमारात हैं, ये अभी तक यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये जो मंदिर था यहाँ पे दीन की अब तालीम दी जा रही है, कुरान पाक यहाँ पे दिन रात पढ़ा जाता है, बच्चे कुरान पाक की तलावत करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत से टूरिस्ट जो आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं लोग, उनको भी होता है कि हम पाकिस्तान में जाएं, मतलब वहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं काफ़ी सारे हैं, और ख़ासकर मुल्तान जो है कि बहुत ही कदीम तरीन मुल्तान जो है, इसकी कदामत मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ, ये बहुत कदीम है। और यहाँ पर जो इमारात की है बहुत कदीम कदीम है, आपको दिखा भी चुकी हूँ, मज़ीद भी आपको दिखाती रहूँगी। चुके हैं और मेरे पीछे आपको मंदिर का डोम नज़र आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही यहाँ से खूबसूरत व्यू इसका हमें बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ धूप तो इस टाइम बहुत तेज़ है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए ये सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम छत में धूप को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है, और ये जो देखेंगे जालियाँ पत्थर की बनी हुई इसी दौर की, छत इस टाइम बहुत बुसीदा हालत में है, और यकीन करें कि ये अगर इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दी गई तो बहुत जल्द ये हमारा जो कीमती विरसा है ये ख़त्म हो जाएगा। जो तारीखी इमारत है ये खूबसूरत सी मंदिर की, ये ख़त्म होने के करीब है तकरीबन। इसके दरवाजे, इसकी छत, जहाँ जगह जगह पे दराड़े पड़ चुकी हैं, और ये देखें ये जो छत है ये बिल्कुल यहाँ भी वो सीधा हो चुकी है, ये काफ़ी चीज़ें इसकी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन अभी मेन छत पे हमें जो सबसे खूबसूरत व्यू लगा है वो इसके डोम का लगा है, और उसके बाद ये जो बना हुआ है, ये चीज़ बनी हुई है, ये छोटे से मतलब पिलर टाइप बने हुए, या ये भी उनका कुछ बना हुआ है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और इसकी जो साइडों पे जालियाँ हैं, इस टाइम इतनी तेज़ धूप है कि मैं चश्मे के बगैर बिल्कुल ना बोल सकती हूँ ना ही आपको कुछ बता सकती हूँ, तो हम मज़ीद थोड़ा सा नीचे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं और बताते हैं। जैन मंदिर जो 300 साल पुराना है, और यहाँ जो स्टेप इसके बने हुए मंदिर पे, जिस जगह पे भी हम गए हैं, या सेकंड फ्लोर पे गए हैं, थर्ड फ्लोर पे गए हैं,
या यहाँ जो एंट्री गेट मेन गेट है यहाँ पे हम आए हैं, जो स्टेप इसके हैं बहुत बड़े बड़े हैं, आते आते हमारा तो सांस ही फूल गया, मतलब इतने बड़े बड़े स्टेप, इतने बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ रहे हैं। तो हमने आज आपको दिखाया बहुत ही कदीम 300 साल पुराना जैन, मतलब जैन कम्युनिटी का बनाया हुआ मंदिर, जो कि हमें पाकिस्तान से बहुत पहले का बना हुआ है। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो भी हमारी पिछली वीडियोस की तरह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल वॉक आउट विद साइमा को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे।